चारा काटने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्यों आजकल पहले चार लेके जाते थे पढ़ने, तो आजकल दो लेके जाते हैं वो भी बाइक पे, क्यों चार हों तो फिर रक्षा मंगवाना पड़ता है, तो लेकिन जब दो हों तो फिर बाइक पे ही ले जाते हैं इकट्ठी दो। तो हल्की हल्की सी हवा भी चल रही है लेकिन इतनी गर्मी महसूस नहीं होगी। ये देखें ये छांव भी है आम की, और देखें आम माशाल्लाह चेक करें कितने खूबसूरत लगे हुए हैं। की दूसरी साइड है तकरीबन, ये आखिरी लो है हमारा, इसके पीछे कोई लो नहीं है, ये ख़रीदे हुए थे सारे लो, तो बस ये ज़मीन फारग हो जाएगी आखिरी लो काटने के बाद, फिर उनको वापस कर देंगे हम, क्योंकि इतनी देर में हमारी जो वो चरी बिजाई की हुई है तो वो भी तैयार हो जाएगी अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह, तो उसको भी हाल लगाना का टाइम हो जाएगा। तो बस ये जो शुरू के दिन होते हैं ये थोड़े से तंगी के होते हैं चारे के। हमें तकरीबन पौना घंटा हो चुका है, तो अभी दो पन्ने तैयार हुई हैं हमारी, तो करनी भी दो थी, बस अब लेकर चलेंगे। हवा चल रही है लेकिन पसीना फिर भी वैसे ही, क्यों काम करते हुए पसीना काफ़ी आता है। ये देखें माशाल्लाह हवा काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है, लेकिन चारा काटते वक्त ये हवा महसूस नहीं होती है, उस वक्त तो जो गर्मी लगनी है वो लगती है। ये हमारे स्टोर की हालत है, ये गंदम पड़ी है, तो अभी मैंने ये बड़ोला सेट किया है इधर, ये पहले बाहर पड़ा था, नया लेके आए थे तो बाहर ही पड़ा था, क्यों अभी डालनी है इसमें गंदम हमने, क्योंकि गंदम काफ़ी टाइम हो गया बाहर पड़ी है, तो बाहर खतरा होता है कि ख़राब ना हो जाए, तो अंदर इसको दवाई लगा के इसको अंदर रखेंगे। तो मेरा आज इरादा था इस स्टोर की सफाई भी करने का, क्योंकि उसमें काफ़ी सामान फालतू पड़ा है जो कबाड़िए में जाने वाला है, कबाड़ का सामान पड़ा है, तो कबाड़िया हफ्ते को होता है, देखें आज आया तो था लेकिन मुझे नहीं पता चला है, मुझे घर वालों ने बताया, तो अभी मैंने अब्बा जी को भी बताया है कि बाहर कहीं नज़र आए तो उसको इस तरफ भेजना है। तो एक ये स्टोर है, एक और है हमारा स्टोर, उसमें भी काफ़ी सामान पड़ा है बहुत ज़्यादा, उसमें तो पाँव रखने की भी जगह नहीं है, तो वो भी साफ करेंगे और ये भी करेंगे अगर कबाड़ी आ गया तो। अभी तो फ़िलहाल दाने डालते हैं। ये देखें कितना खलारा पड़ा हुआ है, कबाड़ी आ ही गया था तो जल्दी जल्दी में उसको फारग करने के चक्कर में कोई वीडियो नहीं बनाई हमने, सिर्फ उसको फारग किया, सामान सारा निकाल के दिया उसको, तो ये अभी खलारा है, ये बस बाहर का खलारा है जो बाहर गिराया जाएगा, तो बाकी इधर काम का खलारा पड़ा है मेरा, जो इस्तेमाल की चीज़ें वो मैंने इधर रखी हुई हैं। सुबह का जब काम ख़त्म हुआ उसके बाद थोड़ा सा आराम किया है, फिर ज़ोर की नमाज़ पढ़ी है, काफ़ी थकावट हुई थी सुबह लेकिन आराम करने के बाद कुछ सुकून हो गया है, तो अभी बस थोड़ा सा काम और रहता था हमारा, ये पानी लगाना था ज़मीन को, तो अभी फ़ोन आया था तो अभी ट्यूबवेल बंद था, तो असर के बाद तो उन्होंने किसी और को देना है पानी, तो इसलिए हम पहले अपना लगाएंगे फिर वो जो दूसरा आदमी है उसको देंगे, इसलिए इनको मैंने पहले कॉल किया घर से निकाला इनको, क्योंकि अकेला आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो चलो बातें करते रहेंगे और काम भी करते रहेंगे साथ। तो ये काफ़ी दिन का काम पड़ा हुआ था घर का, जो सुबह हमने किया है जो गंदम थी वो भी काफ़ी दिन से पड़ी थी बाहर डालने वाली थी वो डाली है, और कबाड़ भी काफ़ी इकट्ठा हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा इकट्ठा हो रहा था कबाड़, आप अंदाज़ा लगाएं तकरीबन 70 किलो का जो था हमारा लोहा निकला अंदर से, तो काफ़ी सफाई हुई है, तो अब कुछ सुकून है उधर स्टोर को, तो बस अभी जाके थोड़ा सा जो काम वगैरह वो हम करेंगे, जो रास्ता वगैरह बनाना है पानी का वो बनाएंगे। ये देखें ये मोबाइल में लगे हुए हैं, सोए हुए थे तो अभी भी मोबाइल में बिजी हैं यार, नज़र ही नहीं आ रहा था उपज में,
नहीं आ रहे हैं। धूप पड़ रही है। तो अपने आप नु देखना कि कैमरा देखना है? हां तो अपने आप नु देखना कि कुछ गल करनी। दोनों चीजें देखनी है। अच्छा ये देखें हमारे आते आते ये अंधेरी चढ़ी है बहुत तेजी से। देख मौसम कितना जबरदस्त होने लगा है। लेकिन अभी हम ये काम यार नहीं जाती हुई। अभी हम सेट करेंगे फिर पानी लगाएंगे हम। मतलब ईद का इतने गोश्त बहुत ज़्यादा खा लिया था, चर्बी चढ़ी हुई थी इसकी। आज इसको मेहनत के लिए रखा हुआ है, आज काम कर रहा है ना अच्छी तरह। हाँ ये देखें अभी सिर्फ एक ठल बनाई है मैंने और बादल देखे कितनी स्पीड से आए हैं। लेकिन हमारी अभी दुआ है कि बारिश ना आए, क्यों अभी क्यों हमने वो तिल वगैरह जो बीजे हुए हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। तो बस अभी तक तो यही दुआ, क्यों पिछले दिनों भी काफ़ी मौसम ख़राब था लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया कि बारिश नहीं हुई है। तो अभी हमारा एक नुकसान हो चुका है, ये देखें अभी काम करते करते ना ये कई टूट गई हमारी। ये देखें ये मुकम्मल, अभी एक टप्पा लगाया मैंने इधर सख्त मिट्टी में तो इधर से ये टूट गई है। तो अभी वो दोस्त को मैंने भेजा, वो जा रहे हैं, वो सामने घर है उनके घर से लेके आएंगे, कि पहले भी हम उनसे लेते थे लेकिन आज मैं अपनी लेके आया था लेकिन इसने साथ नहीं दिया हमारा। तो अभी लेके आएंगे फिर ये काम करेंगे हम अपना मुकम्मल। अभी मैंने दो की टप्पे गिराए थे तो ये टूट गई है। तो अभी इसको उधर फेंकते हैं हम, किसी काम की नहीं निकली है, धोखा देगी है ये मुकम्मल अंधेरी है। क्यों ये जैसे आ रही है हमें पता चल रहा है कि मुकम्मल अंधेरी है, इसमें उम्मीद नहीं है कि बारिश होगी। तो देखें अभी कहीं नहीं आई है, तो बादल देखें कहां तक पहुंच गया। पहले मैंने उधर दिखाया था आपको, कैच करा, अगर तेरी इत्थे तक पहुंच जाएगी तो मैं कैच भी कर लूँगा। नहीं नहीं अगर पहुंच जाएगी तो मैं कैच कर लूँगा, ना टेंशन ले। हैं ले तू सिर इतने तक पहुंचा दे मैं कैच करूंगा। हैं कौन सी का घर जन्म दी? जफर आप वो पर खड़ा बकरियां चरा रहे, जल्दी जल्दी कर। उन्हें भी तोड़ दिया, अभी तोड़ती है कपड़े। वो खैर है कपड़े नवे पा ली, खैर है काम करता तो हों। जी अम्मी ने मैंने ना कह के भेजा थी कि कपड़े खराब ना करी, कपड़े ना खराब होंगे तो पहले ही हो गए, जाके धो ली ना। दसी ना मैनू पता तो चल ही जाना, दाग नहीं पाई तो दाग नहीं लगते। सिर्फ चक्की थोड़ा माल नहीं धोते हैं पानी आप ही लाए ना, तो 10 मिनट लगने पानी में, 10-15 मिनट लगने। खाली है ना, खाली है ना, मतलब मोबाइल अंदर बड़ी वे हाँ हला था ना की है सुंडी रख दी खाई था क्या तो खाई था। बाकी ये तो नेर किधर आ गया ना, इधर देखो कितनी नेरी चल रही है अंधेरी। जा टूल चला गया मैं करना अंधेरी बहुत जबरदस्त आ रही है। तो अभी नक्का लगा है वो देखें, तो अभी देखते हैं लाइट का भी मसला बन सकता है कि यहाँ तो चिड़िया पर मारे तो तब लाइट चली जाती है, तो अभी तो फुल तेज अंधेरी आ रही है। देखते हैं लाइट की क्या सूरत हाल है, तो लाइट हुई फिर ही पानी लगेगा, बाद में देखेंगे क्या करते हैं।
उस वक्त हम गए थे कमरे में टूवल चलाने के लिए, तो देखने गया था मैंने। उस वक्त बोला था कि लाइट होगी तो फिर पानी लगाएंगे, क्यों आज हमारा पानी नहीं लगाया, क्यों लाइट चली गई थी। हम गए थे देखा तो लाइट नहीं थी, तो फिर हम वापस भी आ गए थे घर में, तो मिट्टी बहुत ज़्यादा थी, अंधेरी भी काफ़ी ज़बरदस्त थी, तो उलझन सी हुई। उस वक्त से ही हो रही है, क्यों मिट्टी की वजह से उलझन सी होनी शुरू हो जाती है, बालों में भी काफ़ी मिट्टी है, मेरा सर भरा हुआ है, काफ़ी ज़बरदस्त मिट्टी है अंदर, तो अभी भी मेरा मूड कर रहा है कि सर को धो लूँ, तो लेकिन देखते हैं। क्यों जब मैं उस वक्त गया था पानी लगाने के लिए, तो नहा के फ्रेश होके फिर गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आगे मेरे साथ ये होगा, जो होना था वो हो चुका है। तो हमारे तो अभी अंधेरी आई है, थोड़ी थोड़ी सी बारिश आई है, अंधेरी तो अभी भी चल रही है, तो अभी मगरब का टाइम हो रहा है, लाइट अब आई है। तो हमारा साथ वाला जो एक इलाका है वहाँ ओले पड़े हैं, बर्फ़बारी हुई है, हमारे साथ ही लगता है तकरीबन इधर से 5 या 6 किलोमीटर का फासला है, उधर ओले पड़े हैं, लेकिन हमारे यहाँ मेहरबानी हुई है कि अभी तक सिर्फ हल्की हल्की सी बारिश हुई है, तो लेकिन वो भी बंद हो चुकी थी, लेकिन अब अंधेरी काफ़ी ज़बरदस्त है, उस वक्त भी थी, आप दोस्त देख भी रहे थे, तो अभी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। तो बस आगे कुछ भी मूड नहीं है, बस ये पानी है वो कल लगाएंगे, अब देखेंगे कल का मूड बनेगा, ये उसकी रोनी तो करनी है, कुछ आगे भी जाई करनी है हमने। तो बस आज की वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करते हैं, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आज का व्लॉग कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो करिएगा, और अपनी भाई को अपनी खसूसी दुआओं में याद रखिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में हमारे विज़िट करिएगा, डिस्क्रिप्शन में हमारे फेसबुक का लिंक भी है, और इंस्टाग्राम का भी लिंक है, दोनों पे भी आप रब्ता कर सकते हैं, हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं। तो अगली वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त, और बहुत सारा प्यार, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।